अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आजकल जर्मनी आने वाला हर दूसरा बंदा हाउस बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है। हर दूसरा शख्स हाउस बिल्डिंग के बारे में पूछ भी रहा है और हर दूसरा बंदा हाउस बिल्डिंग का मशवरा भी दे रहा है। बहुत सारे लोगों को हाउस बिल्डिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये सुन रखा है कि अगर आप हाउस बिल्डिंग करते हैं तो आपको साथ में कुछ पैसे भी मिलते हैं। अब इसमें क्या हकीकत है और इस तक पहुंचने का क्या रास्ता है, वो ना पूछने वाले को पता है और ना ही बताने वाले को पता है। तो आज की वीडियो में हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे कि हाउस बिल्डिंग है क्या, क्या ये हर शख्स के लिए रेलेवेंट है या ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए रेलेवेंट है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए कब और कैसे अप्लाई करना है, और बिलफर्ज अगर आपको एक कंपनी हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे भी देती है तो क्या आप वीजा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और वीजा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में चाहिए तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप www.germanyforstudents.com की वेबसाइट के ऊपर जाके हासिल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाउस बिल्डिंग 2 से 3 या 3.5 साल का वो प्रोग्राम है जो पाकिस्तान या इंडिया के अंदर अगर आप रह रहे हो तो आप ग्रेड 10th के बाद आप ये 3 साल का डिप्लोमा करते हैं जिसका इक्विवेलेंट जर्मनी में है हाउस बिल्डिंग। तो वो 3 साल का डिप्लोमा जो आप ग्रेड 10th के बाद करते हैं, 10वीं क्लास के बाद करते हैं, वो डिप्लोमा जर्मनी में हाउस बिल्डिंग कहलाता है। अब ये हाउस बिल्डिंग आप जर्मनी में 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो ये है स्कूल बेस्ड हाउस बिल्डिंग या स्कूल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग, और दूसरी है कंपनी बेस्ड हाउस बिल्डिंग या कंपनी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग। दोनों में फर्क ये है कि अगर आप स्कूल बेस्ड हाउस बिल्डिंग करते हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं तो आपको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है और वहां पे आपको थ्योरेटिकल कोर्स पूरा 3 साल मुकम्मल करना पड़ता है। इस 2 या 3 साल की हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको अपने सारे एक्सपेंसेस खुद पे करने पड़ेंगे। आपको ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग मिलेगी और ना ही आपको स्कूल आपके एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करेगा। इसके लिए सारी की सारी फंडिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप कंपनी बेस्ड हाउस बिल्डिंग करते हैं जिसमें आपको कंपनी कुछ पैसे भी देगी, जिसकी अमाउंट 1000 यूरो के आगे पीछे है, मुख्तलिफ शोबों के अंदर मुख्तलिफ अमाउंट आपको कंपनी दे सकती है, उसके लिए कंपनी आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली आपको हर महीने के एंड के ऊपर एक अमाउंट पे करेगी, जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी मेंशन होगी। अब जर्मनी में 350 से ज्यादा किस्म के ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। अब अगर आप कंपनी बेस्ड हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं ताकि आपको हर महीने के एंड के ऊपर एक अमाउंट भी मिले, तो उसके लिए कुछ शर्त हैं, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपको वो रिक्वायरमेंट्स, वो प्रोसेस फॉलो करना होगा। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कब होती है, क्या हम सारा साल थ्रू आउट किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, या इसका कोई स्पेसिफिक इनटेक है, या इसका कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम है। तो हाउस बिल्डिंग हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में स्टार्ट होती है और इसके लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं वो 1 साल पहले अप्रोक्सीमेटली शुरू हो जाती हैं। कंपनी ने अगर 2024 में हाउस बिल्डिंग के लिए एक बंदे को हायर करना है तो कंपनी 2023 के सितंबर में उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, उस हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट होंगी, वो पब्लिश कर देगी और कैंडिडेट्स को सर्च करना शुरू कर देगी। तो अगर आप जर्मनी में सितंबर 2024 में कोई हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसका सही टाइम अब है, सितंबर अक्टूबर 2023 में उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके पास 350 प्रोफेशंस में से एक प्रोफेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप एक प्रोफेशन सेलेक्ट करें और उससे रिलेटेड कंपनीज को सर्च करें कि कौन सी कंपनीज इस प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस बिल्डिंग ऑफर कर रही है। अगर आपको इस चीज में सपोर्ट चाहिए तो आप जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जर्मनी में इस वक्त हाउस बिल्डिंग के लिए बहुत डिमांड है। ऐसे लोग जिन्होंने हाउस बिल्डिंग की हुई है उनकी भी बहुत डिमांड है, और ऐसे लोग जो हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं उनकी भी बहुत सारे प्रोफेशंस में बहुत कमी है। आपके पास नंबर ऑफ हाउस बिल्डिंग प्लेसेस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसका क्राइटेरिया भी बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट इसलिए है कि कंपनी ने एक ऐसे बंदे के ऊपर रिलाय करना है जिसने अभी सिर्फ स्कूलिंग कंप्लीट की है, जिसने कोई प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल नहीं की हुई। कंपनी खुद उसको ट्रेन करेगी
और उसको मंथली बेसिस के ऊपर एक तनख्वाह भी देगी। सिर्फ यही नहीं, कंपनी के लिए इस चीज की भी शर्त होती है कि एक बंदा कंपनी के अंदर ऐसा हो जो हाउस बिल्डिंग करने वाला जो शख्स या जो स्टूडेंट है उसकी सुपरविजन कर सके। ऐसा बंदा जिसको कंपनी 70,000-80,000-90,000 यूरो साल के दे रही है, उस एम्प्लॉय का 20-30% टाइम जो है वो हाउस बिल्डिंग करने वाले की सुपरविजन के ऊपर लगेगा, और कंपनी को हाउस बिल्डिंग करवानी काफी महंगी पड़ती है, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट रखी हुई होती है। और ऐसे लोग जिनका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान या अपने मुल्क से बाहर जाना नहीं होता, बल्कि उनका एक फोकस्ड माइंडसेट होता है और उनको पता होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, कैसे उन्होंने करना है, सिर्फ ऐसे लोग ही हाउस बिल्डिंग के लिए सेलेक्ट हो सकेंगे। मैंने रिसेंटली बहुत सारे लोगों को देखा है कि किस तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और किस तरह से इसको इतना ग्लैमराइज करके बताया जा रहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10th grade या 12th grade किया हुआ होना चाहिए और उसके बाद आप अप्लाई करें और आपको हाउस बिल्डिंग मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है, आपको एक सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा उस हाउस बिल्डिंग को हासिल करने के लिए। अगर आपने 12th ग्रेड किया हुआ है अपने मुल्क से, तो आप काफी सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन भेजनी होगी जिसमें आपने अपनी मोटिवेशन बतानी है कि आप क्यों इस हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके अंदर क्या खसूसियत है, आप किस तरह से रेलेवेंट हैं इस हाउस बिल्डिंग के लिए, और कंपनी को आपके ऊपर क्यों ट्रस्ट करना है, कंपनी ने आपको क्यों हायर करना है। आप अपने कंपिटेटर्स भी देखें कि आपके कंपिटेटर्स वो होंगे जो जर्मनी में जिन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की है और वो हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपकी स्कूलिंग का जो स्टैंडर्ड है वो जर्मनी की स्कूलिंग के स्टैंडर्ड से कंपेरेबल है या आप कितना पीछे हैं? आपने खाली स्कूल के लेवल के ऊपर सिर्फ किताबें पढ़ी हैं या फिर आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है उस फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं? सितंबर 2023 में BMW ने जर्मनी में 1200 लोगों को हायर किया है जो उनके मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर हाउस बिल्डिंग करेंगे। अब उनकी रिक्वायरमेंट्स अगर आप देखें तो वो आप सिंपल 12th ग्रेड या FSE करने के बाद फुलफिल नहीं कर सकते। आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके आनी है ताकि आप कन्विंस कर सकें अपने इंटरव्यूअर को कि आप ही इस हाउस बिल्डिंग के लिए बेहतरीन कैंडिडेट हैं। उसके लिए हम BMW की एक हाउस बिल्डिंग के लिए लिखी गई रिक्वायरमेंट्स को देख और आप अपनी प्रोफाइल के साथ कंपेयर करें कि आप उनमें से कितनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, और क्या आपके जहन में भी यही कॉन्सेप्ट था हाउस बिल्डिंग का इससे पहले जो कि इस रिक्वायरमेंट्स में पूछा गया है, या आपके लिए सिंपल ये था कि आपने अपनी CV और अपने सर्टिफिकेट्स भेजने हैं और आपको हाउस बिल्डिंग मिल जाएगी। अगर आप जर्मनी में BMW में अपनी हाउस बिल्डिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप गूगल के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो जो BMW ग्रुप के लिंक के साथ हाउस बिल्डिंग नजर आएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब ये पेज जर्मन लैंग्वेज के अंदर है, अगर आपको इस पॉइंट पे जर्मन लैंग्वेज का नहीं पता तो आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर EN के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये पेज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप स्क्रॉल करके नीचे आएं और यहाँ पे आपको कुछ फील्ड्स नजर आएंगे जिनमें BMW करेंटली हाउस बिल्डिंग ऑफर कर रहा है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हाउस बिल्डिंग देखना चाहते हैं तो हम इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी हाउस बिल्डिंग BMW जिस फील्ड में ऑफर कर रहा है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं मेकाट्रॉनिक्स, क्योंकि मेकाट्रॉनिक्स जो है वो जर्मनी में इस वक्त टॉप के ऊपर इसकी डिमांड है, तो इसमें हम व्हीकल मेकाट्रॉनिक्स एक्सपर्ट को क्लिक करें तो ये हमारे पास व्हीकल मेकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो आगे सब डिविजन्स हैं उनके ऊपर हमें ले जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास 4 फर्दर ऑप्शंस हैं, सिस्टम एंड हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी, पैसेंजर व्हीकल टेक्नोलॉजी, बॉडी वर्क टेक्नोलॉजी, मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पैसेंजर व्हीकल टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब इससे हमारे पास पैसेंजर व्हीकल टेक्नोलॉजी की हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास सामने आ जाएगी। इसमें पहला सेक्शन है व्हाट यू विल लर्न विद अस, कि आप इस हाउस बिल्डिंग में क्या कुछ सीखेंगे, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टरवर्ड्स,
कि अगर आपने हाउस बिल्डिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आप क्या काम करने के काबिल हो जाएंगे, व्हाट यू शुड ब्रिंग अलोंग। अब ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन हैं। तो इस सेक्शन को अब अगर हम फोकस करें तो इसमें पहली रिक्वायरमेंट है अ पैशन फॉर टेक्नोलॉजी, कि आपको टेक्नोलॉजी कितना इंस्पायर करती है या आप टेक्नोलॉजी से कितना इंस्पायर होते हैं। इंजॉयमेंट ऑफ म्यूचुअल वर्क, कि आप टीम वर्क को इंजॉय करते हैं या नहीं। रिलायबल एंड एक्यूरेट वे ऑफ वर्किंग, कि आपके काम के ऊपर रिलाई किया जा सकता है। अगर आपको एक काम दिया गया है तो क्या हम आपके ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि आप इसको अप टू द मार्क कंप्लीट करेंगे और सही तरीके से कंप्लीट करेंगे। पैशन फॉर आवर व्हीकल्स, आपको BMW की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर जो सिस्टम्स हैं उनसे कितना आप फेमिलियर हैं, उनको आप कितना जानते हैं, उनको सीखने के लिए और उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास क्या मोटिवेशन है। इंटरेस्ट इन कार्स, आपका जनरली गाड़ियों के अंदर क्या इंटरेस्ट है। द डिज़ायर टू वर्क इंडिपेंडेंटली इन अ टीम, आप टीम में तो काम कर रहे हैं लेकिन आप अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, आप हर छोटी छोटी बात दूसरों से नहीं पूछ रहे कि ये किस तरह से काम होगा या मैंने ये काम किस तरह से करना है। इंटरेस्ट इन मैथ्स एंड फिज़िक्स, तो अगर आप स्कूल से भाग रहे हैं कि आपने मैथ्स और फिज़िक्स नहीं पढ़ना, आपका मैथ्स और फिज़िक्स में अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। फ्लुएंट इन जर्मन, B2 लेवल आपके पास जर्मन लैंग्वेज का होना चाहिए। अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और एन इंटरमीडिएट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसका मतलब है कि आपके पास अगर 12th ग्रेड सर्टिफिकेट है तो आप इस हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इंटरमीडिएट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 12th ग्रेड से लोअर ग्रेड वाला जो सर्टिफिकेट होगा उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर आपको ये सारी रिक्वायरमेंट समझने में प्रॉब्लम हो रही है या आपके पास अभी ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है लेकिन आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं और आप जर्मन लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैं आपकी कंप्लीट असिस्टेंस कर सकता हूँ। इसके लिए कुछ कंपनीज आपसे जर्मनी के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के बारे में भी पूछेंगी। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12 ग्रेड वाली या 10 ग्रेड वाली, वो जर्मनी के किसके इक्विवेलेंट है, तो आप उनको सिंपली ये नहीं बता सकते कि मेरी जर्मनी के इस क्लास के इक्विवेलेंट मेरी स्कूलिंग है, बल्कि उसके लिए हम अपने सर्टिफिकेट्स को उस अथॉरिटी को भेजने होते हैं जो एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट हमें इशू करता है। अब जर्मनी के अंदर 16 स्टेट्स हैं और हर स्टेट का एक अपना इदारा है, एक अपनी अथॉरिटी है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको सबसे पहले अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है कि आपने किस स्टेट के अंदर हाउस बिल्डिंग करनी है, ताकि आप उस स्टेट का जो रेलेवेंट इदारा है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें और वो आपके डॉक्यूमेंट्स का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू करे और उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकें। उसके साथ एक जर्मन लैंग्वेज की भी शर्त होती है। अब आपको हर दूसरा बंदा B1 कहता हुआ नजर आएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट B1 है, इसकी रिक्वायरमेंट B1 नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप इफेक्टिवली और फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं। अब वो आप B1 लेवल के ऊपर अगर अचीव कर लेते हैं तो B1 ठीक है, अगर आप B1 में फ्लुएंटली कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ये नहीं समझ सकते कि दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है और आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो B1 इनफ नहीं है। कंपनी कभी भी ऐसे बंदे को हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी जिसकी जर्मन लैंग्वेज के अंदर कमी होगी, जो प्रॉपरली जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा। अगर आप जर्मन लैंग्वेज के स्टार्टिंग में हैं तो आप मेरा A1 और A2 लेवल का फ्री कोर्स यूट्यूब चैनल जर्मनी फॉर स्टूडेंट्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और मैंने अभी करंटली B1 का कोर्स स्टार्ट किया है, आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं वीजा रिक्वायरमेंट्स की तरफ। हाउस बिल्डिंग के लिए वीजा रिक्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है एज फैक्टर। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है वीजा एप्लीकेशन के टाइम तो आप हाउस बिल्डिंग के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है तो आप हाउस बिल्डिंग के लिए वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दूसरों को हाउस बिल्डिंग का मशवरा दे रहे हैं जिनकी उम्र 40-45 साल है और उन्होंने ऑलरेडी मास्टर डिग्री कर रखी है, लेकिन लोग उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप जर्मनी में हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें। तो आप दूसरों से पूछने से पहले कुछ अपनी रिसर्च करें
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन लें कि आपके लिए ऑसबिल्डिंग ठीक है या नहीं ठीक। लेकिन अगर आप खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरह से पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको इस तरह के जवाब मिलेंगे जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी जिंदगी के कीमती साल जाया करेंगे। तो इसलिए पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि जिस शख्स से आप मशवरा मांग रहे हैं क्या उसके पास आपको मशवरा देने के लिए कुछ है या नहीं। दूसरी रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट जो ऑसबिल्डिंग के लिए है वो है B2 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज। तो वीजा अप्लाई करते वक्त आपके पास B2 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आपके पास कंपनी बेस्ड ऑसबिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आपके पास 1100 इतनी अमाउंट में आपको कंपनी सैलरी दे रही है मंथली बेसिस के ऊपर, तो इस केस में आपका जो ब्लॉक बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसी ऑसबिल्डिंग हासिल करते हैं जो किसी स्कूल में है, तो उस केस में आपको स्कूल क्योंकि कोई फंडिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको ब्लॉक बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी अपनी जिंदगी के इस इम्पॉर्टेंट डिसीजन को मेक करने के लिए। आपको किसी भी स्टेज के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, मेरी सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझे germanyforstudent.com के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन फाइंडिंग अ सूटेबल हाउस बिल्डिंग प्लॉट्स फॉर योरसेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।